Yes, good evening all of you. So welcome to our the session on all national park. So last lecture में हमने कुछ part cover किए थे like Ladakh, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, UP and Bihar also. Okay, तो ये सब हमने part cover किए थे and अभी new next part start करते हैं. So before starting with next part, just थोड़ा सा एक 2 मिनट के लिए information देता हूँ आपको. So that is new batches 22-23 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. प्लस मेंबरशिप में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. सो दैट इज़ कम्प्लीट 1 ईयर बैच ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं. इसमें प्री कम मीन्स कम्प्लीट सिलेबस होगा. टॉप एजुकेटर्स आपका यहाँ पे एंटायर सिलेबस कवर करेंगे एंड इसके PDFs हो गए, स्टडी मटेरियल होगा. एंटायर PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा. 2 ईयर्स के भी बैचेस है, इवन स्पेशलाइज्ड NCERT भी कुछ बैचेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एंड ये आप ज्वाइन कर सकते हो टू गेट दिस बेनिफिट एंड विद द 10% ऑफ ऑल्सो इज अवेलेबल दैट यू कैन गो विद द जस्ट सुमित कोंडे दैट इज योअर कोड एंड आपको फिर यहाँ पे 10% ऑफ मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज नेशनल पार्क. हमने लास्ट टाइम कुछ कवर किए थे इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो. अगर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आप प्रीवियस लेक्चर चेकआउट कर लो सो आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि बहुत फास्ट यहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है. एक्चुअली वो पार्ट हमारा हो चुका है, लद्दाख होगा. सो जम्मू कश्मीर हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. सिटी फॉरेस्ट दार्चीकम किश्तवाड़ काजीनाग. ओके, एंड इसके बाद फिर हमने और क्या कवर किया था. हिमाचल प्रदेश भी हमारा कवर हुआ था. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरा गंगा, इंद्री केला, सिम्बाल बारा. ओके, ये हिमाचल प्रदेश में हमने देखे थे. देन आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था उत्तराखंड. उत्तराखंड में भी बहुत सारे नेशनल पार्क है जैसे जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क. ठीक है, तो ये सब के सब हमने कवर किए थे जो कि राइट फ्रॉम द जो फर्स्ट होगा इंडिया का. सो दैट इज जिम कॉर्बेट से हमने स्टार्ट किया था. हेले नेशनल पार्क जिसको पहले कुछ नाम था, नंदा देवी भी हमने कवर अप किया है. देन आफ्टर दैट यूपी में आए थे हम. यूपी में हमने एक देखा है दुधवा नेशनल पार्क जो कि बॉर्डर पे आता है नेपाल के साथ. ओके, वो हमने कवर किया था. देन दुधवा के बाद हमने देखा है हरियाणा. ओके, मतलब थोड़ा सा यूपी से वेस्ट के तरफ आ गए थे हम बिकॉज ये हरियाणा बचा था हमारा. तो कालेसर एंड सुल्तानपुर, ऐसे दो आते हैं हरियाणा में नेशनल पार्क. सो दैट इज कालेसर एंड सुल्तानपुर. देन आफ्टर दैट अगेन थोड़ा सा यूपी से कंटिन्यू किया हमने आगे एंड फिर आ गए थे बिहार. और बिहार में एक ही है, दैट इज वाल्मीकि, और वो भी नेपाल बॉर्डर के साथ आता है. सो दुधवा के बाद आएगा यहाँ पे वाल्मीकि, सो विच इज़ विद द नेपाल बॉर्डर. ओके, तो ये भी हमने कवर किया था. राइट, नेपाल के साथ फिर कौन से आ रहे हैं. यूपी का दुधवा और दूसरा रहेगा यहाँ पे वाल्मीकि जो कि बिहार में आता है, नेपाल से लग के आता है. तो एक ही था इसलिए हमने इसको एंटायरली कवर कर दिया था. यहाँ पे कौन से ट्राइब्स है वो डिस्कस किए थे हमने. देन उसके बाद फिर हमने देखा था सिक्किम. राइट, सिक्किम में एक ही है एंड वो रहेगा कांचनजुंगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो वेस्ट में नेपाल के साइड में आता है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए मतलब इन इंडिया अगर देखते हैं. सो K2 गॉडविन ऑस्टिन के बाद मतलब माउंट एवरेस्ट ये तो सबसे हिमालय का सबसे हाइएस्ट पॉइंट है बट नेपाल में आता है. सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट इज द K2 गॉडविन ऑस्टिन एंड थर्ड हाइएस्ट पॉइंट सो दैट इज द कांचनजुंगा. राइट, तो ये कांचनजुंगा नेपाल बॉर्डर पे आता है. तो ऑब्वियसली इतने अगर ज़्यादा हाइट पे तो अल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, आर्टिक टाइप ऑफ यहाँ पे क्लाइमेट होगा. तो ऐसे कांचनजुंगा और नेपाल बॉर्डर, बस याद रखना नेपाल बॉर्डर के पास आता है. सो हमने देखा था यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया था. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मिक्स साइट भी आएगा, यहाँ पे नेचुरल साइट भी आती है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी आएगा. ठीक है, तो ये सब हमने पॉइंट कवर किए थे एंड अब हम स्टार्ट करने वाले थे वेस्ट बंगाल. ओके, सो वेस्ट बंगाल स्टार्ट करते. सो इसमें हमने देखा था बक्सा, गोरुमारा, जल्दापरा, न्यूरा वैली, सिंगालीला एंड सुंदरबन. ओके, तो जितने भी ग्रीन में आपको दिख रहे हैं सो ये सब के सब ऊपर आ जाएंगे, मतलब मोस्टली हिमालय या शिवालिक के पास आता है. सो जैसे कि बक्सा देखो आप यहाँ पे आसाम या भूटान के यहाँ पे बॉर्डर्स के पास आ जाएगा. राइट, बक्सा अगर देखोगे ये पॉइंट में सो दैट इज़ भूटान, ऊपर की तरफ आएगा भूटान एंड ईस्ट की तरफ आएगा आसाम. तो यहाँ पे आएगा बक्सा. राइट, यहाँ पे देखो ये पूरा मैप है. सो दैट इज़ ऑफ वेस्ट बंगाल लाइक दिस, दिख रहा है सबको. ठीक है, सो यहाँ पे ये ऐसे जस्ट हुक किया ऐसे जो मैप है, चिकन स्नेक जिसको कहा जाता है. तो देखो ये चिकन स्नेक है जो आसाम से यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी लास्ट में. ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया बक्सा. ओके, और यहाँ पे आप देखोगे गोरुमारा भी इसके आसपास ही आता है,
देन जलदा पर अभी अगर देखो कि यहाँ पे आ रहा है, यही ऊपर के साइड्स में ही आ रहा है, ठीक है, हिमालय की जो पार्ट्स है यहाँ पे। नेवरा वैली भी अगर देखोगे तो फिर तो ये अगर आप देख रहे हो तो ऊपर की तरफ सिक्किम की तरफ आता है नेवरा वैली, मतलब वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर्स पे, यहाँ पे आएगा सिक्किम ऊपर, ठीक है। तो उसको ही लक्की ये पार्ट दिख रहा है आपको, तो दैट इज दिस पार्ट। देन आफ्टर दैट सिंगालेला भी अगर देखा जाए तो ये नेपाल के साइड में आ रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल और नेपाल के बॉर्डर्स की तरफ आता है यहाँ पे सिंगालेला। एंड सबसे अलग सुंदरबन, मतलब सबसे अलग होगा और जो कि यहाँ पे साउथ की तरफ आ रहा है सुंदरबन। ओके, सो दैट इज दिस पॉइंट। सो देखो बक्सा टाइगर रिजर्व, सो टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज टाइगर रिजर्व ऑफ लाइक वेस्ट बंगाल में आता है बक्सा, ईस्ट की तरफ रहेगा, एशियन एलिफेंट गौर एक्सेट्रा ये फेमस है। देन इंटरनेशनल बॉर्डर विद द भूटान के साथ इसकी बॉर्डर है, बस उतना याद रखो। एंड मानस नेशनल पार्क इसके ईस्ट में आ जाएगा, मतलब जो आसाम में आता है, मानस इज द पार्ट ऑफ द आसाम, पर इसके ईस्ट में जैसे आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे बक्सा है वेस्ट बंगाल में, और इसके बाद मानस आ जाएगा जो कि आसाम का पार्ट है, राइट। तो ऐसे हम पार्ट देख सकते हैं, तो ऐसा ये तराई काइंड ऑफ सेक्शन भी आ जाएगा, एंड शिवालिक के थोड़े से आसपास आता है, इसलिए थोड़े से यहाँ पे क्या है भाबर सेक्शन भी मिल जाएगा आपको। देन आफ्टर दैट गोरुमारा, गोरुमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, सो अगेन देखो राइनोस के लिए फेमस है, एंड वेटलैंड देखो, मतलब ऐसे ये पार्ट दिख रहा है, समझ लेना ये तराई सेक्शन है, तराई और वेटलैंड के कुछ पार्ट है, मतलब जस्ट शिवालिक यहाँ पे एंटर मतलब एग्जिट हो रहा है। ओके, तो शिवालिक देखो यहाँ पे गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, इंडियन राइनोज के लिए फेमस है, प्राइमरी नोन फॉर इंडियन राइनोज, ईस्टर्न हिमालय सब माउंटेन तराई रीजन्स में आता है, देखो तराई बेल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड द्वार फॉर्मेशन, ये अगर आप पार्ट देखोगे सो ये पूरा पार्ट किसका है, द्वार फॉर्मेशन, जो कि टी कल्टिवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, सो दिस इज द द्वार फॉर्मेशन। ओके, तो ये आएगा द्वार्स फॉर्मेशन, राइट। तो ये जो पार्ट है तो वो द्वार्स के लिए फेमस है, बेस्ट लोकेशन माना जाता है टी कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे फिर ये द्वार्स फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है, तो देख लो आप यहाँ पे, सो दैट इज द द्वार्स, यहाँ पे ये पार्ट आएगा। सो द पार्क इज लोकेटेड ऑन द फ्लड प्लेन, मूर्ति रिवर एक कुछ आती है, राइदाक रिवर जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र, और यूपीएससी का ये क्वेश्चन भी था, ठीक है, इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी कि राइदाक किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो ये आंसर शुड बी यस, दैट इज द ब्रह्मपुत्र। ओके, तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज राइदाक यहाँ से फ्लो होती है, तो याद रखना गोरुमारा से राइदाक ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। देन द मेजर रिवर ऑफ द पार्क इज जलधाका, ऐसे एक रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र की अगेन ट्रिब्यूटरी है। तो देखो राइदाक तो ऑलरेडी क्वेश्चन था यूपीएससी का, अब जलधाका भी याद रखो, ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी आती है। इन दिस रिगार्ड गोरुमारा इज द वाटर शेड एरिया बिटवीन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, मतलब क्या है कि ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इसके बीच में ये पार्ट आ सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ गंगा है और इसकी तरफ ब्रह्मपुत्र है ना, तो ऐसे ब्रह्मपुत्र इसकी तरफ आ जाएगा और ये थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है। सो ये वाटर शेड है बिटवीन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो द पार्क इज वेरी क्लोज टू जलदापरा नेशनल पार्क, देन चंब्रा पारी ऐसे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इसके आसपास आता है, एंड इंडो मलयन डैम का पार्ट है, देखो ज्यादा हाइट पे नहीं है ना, तो इसलिए बक्सा लो। देन आफ्टर दैट सिंगालेला ले लिया आपने, देन उसके बाद गोरुमारा ले लिया, ठीक है। तो ये सब किस में आएगी, इंडो मलयन डैम में, जलदापरा ऑल्सो, तो ये सब के सब यहाँ पे इंडो मलयन डैम में आते हैं, बस नेवरा वैली अगर देखोगे तो ये थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे आता है, तो शायद हम उसको इसमें कंसिडर कर सकते हैं, पैलियाटिक में थोड़ा सा ले सकते हैं। सो याद रखना जलदापरा तो हम किस में देखेंगे, सॉरी दैट इज द गोरुमारा अगर देखा जाए तो इंडो मलयन डैम में आता है। ओके, इंडियन लेपर्ड राइनोज, देन अगेन एशियन एशियाटिक एलिफेंट, बार्किंग डियर, हॉक डियर, सांबर डियर, यहाँ के कुछ स्पेशलिटीज है। देन जलदापरा चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी हमने कौन सा देखा है, बक्सा देखा है देखो यहाँ पे, देन आफ्टर दैट हमने कौन सा देखा है, गोरुमारा यहाँ पे, एंड इसके बिटवीन आएगा अभी ये नेक्स्ट वाला जलदापरा। अब देखो अगेन थोड़ा फुटहिल्स पे ही आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, जल दिख रहा है यहाँ पे, जल दापरा है, मतलब तराई काइंड ऑफ सेक्शन है, बहुत वेटलैंड काइंड ऑफ पार्ट ही है, राइट। टोरसा नाम की रिवर यहाँ से फ्लो होती है। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पार्क होल्ड्स द लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर काजीरंगा। अब काजीरंगा के बाद सबसे ज्यादा राइनोस कहाँ पे आते हैं, यूपीएससी पूछ सकता है, देखो तो वो कहाँ पे आते हैं, जलदापरा में। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द राइनोस, ओके, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द राइनोस आफ्टर काजीरंगा, सो योर आंसर शुड बी जलदापरा, और ये कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, सो दिस पार्ट, सो इंडियन लियोपर्ड एलिफेंट सांबर बार्किंग डियर स्पॉटेड डियर ये सब बाकी यहाँ के स्पीसीज हैं। एंड बाकी फिर यहाँ पे फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो एलिफेंट कॉरिडोर या बिटवीन जलदापरा बक्सा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो
ये सब यहाँ पे दिखेंगे आपको। बक्सा टाइगर रिजर्व नियर गोरुमारा सब नेशनल पार्क। ओके सो दैट इज द पॉइंट। ओके क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। तो बक्सा टाइगर रिजर्व एंड गोरुमारा। ओके सो ये इसके आसपास ही आता है। तो यहाँ पे बक्सा हमने देखा है और यहाँ पे गोरुमारा, इसके बिटवीन आ रहा है जलदापरा। मतलब ये तीनों एक लाइन में, इसलिए तो सेम सेम फीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। राइनोस भी दिख रहे हैं, एलिफेंट भी दिख रहे हैं, एंड ये सब इंडो मलायन में आते हैं, तीनों भी इंडो मलायन में। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, बस इतने याद रखना, ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट रहेगा। अब यहाँ से थोड़ा अलग जाते हैं हम। ठीक है, मतलब तीन सेम काइंड ऑफ क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर, वेजिटेशन स्ट्रक्चर या लोकेशन फैक्टर में थे, बट अभी जो नेक्स्ट हम टू देखने वाले वेस्ट बंगाल में, जो टोटल फाइव है, इसमें से जो नेक्स्ट टू देखने वाले वो थोड़े अलग क्लाइमेट में आते हैं, जो कि रहेगा नेवरा वैली नेशनल पार्क। ओके सो देखो अभी नेवरा वैली कैसा है। सो अब थोड़ा ऊपर हम सिक्किम के बॉर्डर पे जा रहे हैं, मतलब थोड़ी हाइट ज़्यादा है यहाँ पे, राइट? हाइट ज़्यादा है, देखो ऊपर की तरफ सिक्किम दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट ज़्यादा है थोड़ी सी। ठीक है, तो अल्टीट्यूड जैसे इंक्रीज हो रहा है वेस्ट बंगाल, देखो कम कैलिमपोंग ऐसे कुछ रीजन आता है, रेड पांडा यहाँ पे फेमस है, एंड नेवरा वैली सस्टेन यूनिक इकोसिस्टम वेयर ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, सब टेम्परेट भी है, टेम्परेट वेजिटेशन भी है, एंड सिस्टम स्टिल हार्बर वेल्थ ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब यहाँ पे मल्टीपल काइंड ऑफ आपको क्या दिख रही है, वेजिटेशन दिख रही है। मतलब थोड़ी कम हाइट होगी जहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल मिलेगा, सब ट्रॉपिकल मिलेगा, एंड थोड़ी हाइट ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है तो आपको टेम्परेट भी मिलेगा। ठीक है, मतलब यूपीएससी डेफिनेटली, देखो इस पर ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क विल एग्जिबिट, ओके विल एग्जिबिट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वेजिटेशन ऑल्सो, तो आंसर शुड बी द नेवरा वैली। सेम और क्या हो सकता है, नामधापा जो अरुणाचल प्रदेश में, वो भी सेम एग्जिबिट करता है, राइट? एंड और अगर हम देखते हैं, सो अगर मैंने यहाँ पे नंदा देवी दे दी, ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर बताओ? यस, नंदा देवी राइट होगा क्या? नंदा देवी हो सकता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब टेम्परेट, इज इट पॉसिबल? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, लाइव चैट बॉक्स। चलो बताओ हो सकता है या नहीं? यस और नो? यस और नो, फास्ट बताओ। चलो नंदा देवी में पॉसिबल होगा क्या टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो पार्ट है, सो ये पॉसिबल हो सकता है क्या? फास्ट बताओ, चलो यस और नो। देखो लाइव चैट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, नीचे टाइप करो ना वहाँ पे, फास्ट रिप्लाई फास्ट। ओके ठीक है, चलो आई थिंक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों से। ठीक है, लाइव चैट बॉक्स देखो आपके यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा लाइव चैट बॉक्स, थोड़ा बैक करके देख लेना। ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहो क्लासेस में, ठीक है? चलो एनीवेज, तो देखो नंदा देवी में नहीं रहेगा, बिकॉज अभी हम वैसे भी डिस्कशन में था ना नंदा देवी। देखो नंदा देवी हाई अल्टीट्यूड्स पे आता है, सो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड एवरीवन? तो वहाँ पे आपको यूजुअली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल नहीं, तो वहाँ पे मोस्टली टेम्परेट या लाइक अल्पाइन काइंड ऑफ जो कवर है, तो वो मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगा, नॉट इन दिस पार्ट। तो आपको एलिमिनेट करते आना चाहिए, प्लस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ट्राई टू एलिमिनेट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ओके सो नंदा देवी नहीं आएगा उसमें, याद रखना। एनीवेज, तो मैमल्स अगर देखेंगे तो डिफरेंट इंडियन लियोपर्ड, देन एशियाटिक ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, एशियन गोल्डन कैट, ऐसे बाकी सब मिलते हैं, एंड रेड पांडा याद रखना, यहाँ की स्पेशलिटी नेवरा वैली की रेड पांडा है, जो कि एंडेंजर्ड है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके नॉर्मल एंडेंजर्ड वन है। देन सिंगालेला, अब और वेस्ट की तरफ आ जाओ। देखो हम बक्सा पहले हमने देखा, देन जलदापरा देखा है, देन गोरुमारा देखा, देन अभी वेस्ट और वेस्ट की तरफ आ गया तो दैट इज नेवरा वैली, देन आफ्टर दैट लास्ट ईस्ट टू वेस्ट में अगर हम देखते वेस्ट बंगाल में, तो लास्ट कौन सा आ गया? सिंगालेला। ओके, जो नेपाल के बॉर्डर के आसपास आएगा, नेपाल के पास आसपास आता है। सो सिंगालेला, ओके सो दैट इज ऑलमोस्ट अल्टीट्यूड देख लो 7,000 फीट, मतलब बहुत ऊपर की तरफ है। दार्जिलिंग का कुछ पार्ट है, द्वार फॉर्मेशंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो कि टी कल्टीवेशन के लिए बहुत बेस्ट माने जाते हैं। दार्जिलिंग को आपको पता है कि जी आई टैग भी मिला है, राइट? तो जी आई टैग भी मिल चुका है, सबसे पहले जी आई टैग दार्जिलिंग को टी को ही मिला था, राइट? एंड ये कौन सा फॉर्मेशन है? हिमालय का द्वार्स फॉर्मेशन, द्वार्स कहा जाता है ये रीजन को, राइट? और यहाँ पे देखोगे तो पार्क इज द ईस्टर्न हिमालय सिंगालेला रिज, ऐसे कुछ पार्ट्स है, तो वहाँ पे आता है ये पार्ट, एंड शिवालिक का ही मतलब थोड़ा सा हायर अल्टीट्यूड्स का पार्ट है। तो टू हाईएस्ट पीक यहाँ पे कुछ मिलता है, दैट इज संदाकपू, ऐसे कुछ पार्ट है, ऐसे लाइक माउंटेन ऑफ पॉइजनस प्लांट्स ऐसे कहा जाता है, तो ऐसे प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। एंड रिवर रम्मन
एंड रिवर्स सिरखोला, ऐसे कुछ रिवर्स आते हैं, बट बाकी यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। यहाँ पे अगर सेम देखा जाए तो सेम स्पीसीज मिलता है, सेम दैट इज इंडियन लियोपर्ड, देन एशियाटिक ब्लैक बियर एक्सेट्रा एंड रेड पांडा, बट थोड़े नंबर्स कम मैंने उरा वैली से। ठीक है, तो वही सेम स्पीसीज यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे एंड वेजिटेशन भी सेम रहेगा, सो दैट इज ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट काइंड ऑफ वेजिटेशन, जैसा नेवरा वैली में सेम आपको सिंगल एला में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम क्लाइमेट एग्जिबिट करता है दोनों में भी। ठीक है, सॉरी। तो सिंगल एला और भी देख लेना, तो देखो यहाँ पे, सो दैट इज बायोम। ओके, बायोम यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालयन अल्पाइन देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, देखो यहाँ पे देन ब्रॉडली फॉरेस्ट, मतलब टेम्परेट भी आ रहा है, देन कॉनिफेरस भी आ रहा है। ओके, देन सब ट्रॉपिकल भी है, देखो दिख रहा है, सब ट्रॉपिकल भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, मतलब सब ट्रॉपिकल भी सिंगल एला में भी मिल सकता है, सिंगल एला में। एंड मैमल वही है देखो, सबके सब रेड पांडा वही वही मैमल से पूरे। ठीक है, तो वही एक कंटिन्यू करना है हमें। ठीक है, एंड लास्ट इज द सुंदरबन। तो चलो, अभी तक हमने कौन से देखे हैं वेस्ट बंगाल में, तो देखो बक्सा, जलदापरा, देन आफ्टर दैट यस कौन सा था, गोरुमारा, नेवरा वैली, देन सिंगालेला, एंड लास्ट नाउ सिंगालेला के बाद लास्ट रहेगा अभी, सो दैट इज द सुंदरबन बस। ओके, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 4 + 1, ऊपर की तरफ 4 आता है हिमालय की तरफ एंड 1 आएगा वेस्ट बंगाल का साउथ की तरफ, सो दैट इज द नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व ऑल्सो, बायोस्फीयर रिजर्व भी आता ही है, बराबर है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है एंड बायोस्फीयर रिजर्व, एंड सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द दैट इज द बंगाल टाइगर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, गंगा का डेल्टा बांग्लादेश, मतलब एग्जैक्टली डेल्टा अगर देखा जाए हुगली टू मेघना के बिटवीन ये रीजन आता है, राइट। सो ये पार्ट रहेगा हमारा सुंदरबन का। एंड मैंग्रोव यहाँ पे मैक्सिमम कवर तो मैंग्रोव का ही है, एंड मैंग्रोव काइंड ऑफ फॉरेस्ट में ये एग्जैक्टली बंगाल टाइगर्स एग्जिबिट करता है। बाकी फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ पे, न्यूमैटोफोर जो मैंग्रोव का एक एक फीचर होता है। ओके, सो वो यहाँ पे आपको निमेटोफोर दिखेंगे, वाइड एकदम इनके रूट्स होते हैं, वाइड, वेरी वेरी वाइड रूट्स आर देयर, एंड इसी वजह से ये क्या है कि ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं वेवी कंडीशंस भी होंगे तो भी, मतलब साइक्लोन को एक रेजिस्ट कर सकता है, इवन एनरिच बायोडायवर्सिटी यहाँ पे हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखते हैं, सो यहाँ पे क्या है कि पोल्यूशन भी बहुत, लाइक मैंग्रोव्स के रीजन में पोल्यूशन भी बहुत कम हो जाता है, सो वो भी मतलब वाटर अगर देखा जाए तो एक उनमें नेचुरल इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि दे प्योरीफाई दिस पार्ट। ओके, एंड इवन ये हैचिंग साइट भी रहती है ना, इट्स अ ट्रांजिशन जोन और हैचिंग साइट और इकोटोन रीजन, सो इट इज़ नथिंग बट द इकोटोन रीजन। ओके, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम के बीच में ये पार्ट है, सो दैट इज द इकोटोन रीजन, राइट। सो दैट इज द इकोटोन पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक। रॉयल बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रिवर टेरापिन, ऑलिव रिडले टर्टल, गैंजेस रिवर डॉल्फिन है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के डिफरेंट स्पीसीज आ जाएंगे। ठीक है, सो देख लेना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, 1987 में इसको डिस्क्राइब किया था, एंड रामसर साइट में भी आता है। तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो, नेशनल पार्क ऑल्सो, देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देन रामसर साइट, तो रामसर साइट भी आएगा। ठीक है, तो एंड और क्या बचा था यहाँ पे, सेंचुरी भी बची है एंड टाइगर रिजर्व ऑल्सो। तो देखो सेंचुरी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल साइट, जो ओनली 7 साइट्स है उसमें से वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, एंड रामसर साइट ऑल्सो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है देखो सुंदरबन को। ठीक है, तो ऐसे देखो ये अलग अलग ऐसे ट्रीज आपको दिख जाएंगे। ओके, एंड हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस ये मैप साइट भी है, मतलब 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में, तो उसमें से 11 मैप साइट है, मैन एंड बायोस्फीयर साइट विच इज रिकोगनाइज बाय द यूनेस्को। ओके, तो उसमें भी आता ही है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये साइट रहेगी, सो दैट इज ऑफ द सुंदरबन, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, तो आज हमने क्या क्या देखा है देखो, तो टोटल 6 नेशनल पार्क आज हमने देखे हैं, राइट। सो दैट इज बक्सा, गोरुमारा, देखो यहाँ पे बक्सा देखा था, फिर यहाँ पे गोरुमारा है, देन जलदापरा, इन बिटवीन दिस जलदापरा। ओके, बक्सा, जलदापरा, गोरुमारा, नेवरा वैली, ओके दिस इज द नेवरा वैली एंड सिंगालेला। ओके, देन आफ्टर दैट हमने क्या देखा है, सिंगालेला, एंड ये हो गए ऊपर की तरफ 5 है टोटल, 5 अपवर्ड साइड में।
और नीचे के साइड में यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो दैट इज सुंदरबन, लास्ट हमने देखा है, ठीक है। सो चलो आई होप सबको याद रहेगा इतना जो हमने आज लिया है रिलेटेड टू दिस वेस्ट बंगाल। अब कल के सेशन में हम नॉर्थ ईस्ट में एंटर करेंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट हम कवर करने वाले हैं। एंड वैसे भी आसाम में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड ओरांग। जैसे आपको याद रखना है मोंक, ओके सो दैट इज़ द मोंक, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं आप, या सिंपल मैं बता देता हूँ, सो दैट इज़ द मानस एम, देन ओरांग, देन इसके बिटवीन आता है नामेरी, ओके, देन आफ्टर दैट काजीरंगा इज़ द के एंड डी, लास्ट इज द मोंग डी, है ना। तो मोंग डी याद रखना है, MONKD, मोंग डी, वेस्ट टू ईस्ट। सो दैट इज द मोंग डी इज योअर आसाम ऑल नेशनल पार्क। टोटल कितने नेशनल पार्क है आसाम में? 5 नेशनल पार्क है, तो याद रखना है ना। तो मानस, ओरांग, ओके, देन आफ्टर दैट यस नमेरी, सॉरी, सो दैट इज द नमेरी, देन काजीरंगा एंड लास्ट इज द यस डिब्रू साइखोवा। तो हम ये जो मोंग डी है तो वो कल देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड राजीव गांधी, ओके। सो ये कल के सेशन में देखते हैं, कल सेशन होगा एट 12:30, ओके, 12:30 को एक होगा एंड इवनिंग में सेम 6:30 होगा, ठीक। तो डू नॉट मिस एनी लेक्चर, एंड इसके पहले के अगर आपने मिस किया है तो वो पहले देख लो लेक्चर्स, अलग अलग नेशनल पार्क हमने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ओके, सो यूपी, बिहार, हरियाणा, ओके, सो ये सब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो वो भी देख लेना, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपको ऐसे मटेरियल के लिए। एंड इवनिंग में आप सेशन देख सकते हो, वैसे स्पेशल क्लासेस में भी आप यहाँ के PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो इफ़ यू वॉन्ट द PDF ऑफ द सेम, सो गो टू द अनअकैडमी ऐप एंड जस्ट टाइप सुमित कोंडे, ओके, सर्च बॉक्स में जाना है, अनलॉक कोड भी सेम रहेगा, अनलॉक कोड भी यही यूज़ करो, सो दैट इज़ सुमित कोंडे, एंड फ्री एक्सेस मिलेगा आपको वहाँ पे मेरे जो लेक्चर्स होंगे स्पेशल क्लासेस के। सो वहाँ पे जाके आप गो टू कोर्स पेज कर सकते हो, मतलब जो लेक्चर होता है उसमें, और व्यू PDF करके विदाउट एनोटेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके ओके देन चलो। सो एनीवेज चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं टुमारो सेम टाइम 6:30 एंड 12:30 PM। थैंक यू एवरीवन।